पीएल बांटा तुम लोगों ने? हाँ सर। पीएल बांटने के बाद अब सुनना, कुछ बातें कर लेते हैं। जो नया पार्टनर आया वो कितना कैपिटल लेके आया? 30,000। तो कैश अकाउंट आया ना बिजनेस के पास, कैश अकाउंट डेबिट। कौन नया पार्टनर था? मानव मानव कैपिटल। मानव कैपिटल कितना कैश लेके आया था? मानव 30,000। पक्का थर्ड एंट्री हो गया। और जो जो एंट्री तुम लोग सुनो, इधर देखो मेरे को प्लीज, इधर देखो जल्दी से। तुम लोग का जर्नलिज्म का काम हो गया ना, बैलेंस शीट में टिक लगा लो। पीएल का काम हो गया बैलेंस शीट में, लगा दो। कैपिटल वाला लाइन का काम हो गया, उस पूरे लाइन को टिक लगा लो या अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब गुडविल बांटना है, गुडविल कितना लाया था वो बिजनेस में? तो 10,000। बिजनेस को तो कैश मिला, यस और नो? लेकिन वो मानव में नहीं जाएगा, मानव का कैपिटल तो मानव में गया, लेकिन गुडविल किस किस में चला जाएगा? याद करो वो दिन जब हम बताए थे तुम लोग को कुछ देर पहले, रवीज कैपिटल और दिनेश का कितना गुडविल का पैसा था रे भाई? कौन 10,000 से रेशियो में सैक्रिफाइसिंग। बटेगा? हाँ, मेरा दिल खुश कर दिया तुम लोग। आज तुम लोग को 2 मिनट जल्दी छोड़ेंगे हम इसी बात पे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूरा मेहनत करके निकाले थे हम लोग। 4:1, फोर तो 4:1 बाई में कितना आ रहा फिफ्टीन है? 10,000 को 4:1 में बांट के 8,000 एट कितना आया? 10,000 को थाउजेंड 4:1 में बांटो, दिनेश का दोस्त 8,000 और 2,000, आठ देखो कितना लिख पाया है। हजार 8,000 2,000 लिख दिया मैंने, डन। आगे बढ़ू? बड़ी गुडविल वाले लाइन पे अंडरलाइन किया तुम लोग? उसका काम हो गया, हो गया। अब सर। सुनना, अब बहुत सारा एसेट्स और लायबिलिटी रिवैल्यू हुआ था, यस और नो? हाँ, सबसे पहले कौन सा एसेट रिवैल्यू हुआ था? बिल्डिंग। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, सुनो। अगर कभी भी एसेट बढ़ेगा, अगर एसेट इंक्रीज होगा, तो एक चीज पता करो कि एसेट का कौन सा बैलेंस होता है दुनिया में, बैलेंस और एसेट को और बढ़ाना है तुमको, घटाना नहीं है, और बढ़ाना है तो और डेबिट डेबिट करना करेंगे। पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, बढ़ाना ही है बेटा। तो अगर एसेट बढ़ेगा तो एसेट टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एसेट रिवैल्यूएशन। लेकिन मेरे भाइयों और उनकी बहनों, अगर अगर एसेट डिक्रीज हो गया, क्या हो गया? डिक्रीज डिक्रीज हो गया तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन टू एसेट। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि एसेट को कम करना है तो एसेट को क्रेडिट कर देना, ओके। और अगर एसेट को बढ़ाना है तो एसेट को क्या कर देना? डेविड अभी मैं इस क्वेश्चन की एंट्री नहीं करा रहा हूं, एक जनरल चीज बता रहा हूं, ठीक है? फिर इसके बाद क्वेश्चन का एंट्री कराएंगे। हाँ, ये लिख लो एक बार एक जगह पे। क्वेश्चन में अभी घुसने वाला हूं 2 मिनट में, बट उसके पहले ये चीज लिखा तुम लोग। हाँ सर। और अगर मैं बोल रहा हूं एसेट के अलावा दुनिया में क्या होता है, लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है बेटा, ऐसे तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट अगर लायबिलिटी और बड़ा है, अगर बढ़ाना है तो और क्या करेगा उसको? डेबिट लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है और बढ़ाना है क्रेडिट क्रेडिट तो ऊपर में क्या जाएगा? रिवैल्यूएशन। हो गया।
लेकिन अगर लायबिलिटी को घटाना है तो क्या करना है? लाइक ये समझ में आया? क्लियर? हाँ ये चारों एंट्री समझ में आया क्या? अगर एसेट बढ़ाना है एसेट टू रिवैल्यूएशन, अगर एसेट घटाना है तो रिवैल्यूएशन टू एसेट, अगर लायबिलिटी को इंक्रीज करना है तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, और अगर लायबिलिटी को डिक्रीज करना है तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। इतना समझ में आया? जल्दी से बताओ, मेरे क्वेश्चन में बिल्डिंग बड़ा था या घटा सर था? बड़ा तो कौन सा एंट्री एप्लीकेबल होगा? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट थर्ड वाला या वाला, फोर्थ वाला? तो फर्स्ट वाला एसेट टू रिवैल्यूएशन एसेट का नाम क्या है बेटा? बिल्डिंग तो बिल्डिंग एंट्री क्या हो गया? किसका नॉन डेबिट फिगर है? जितना से बड़ा है। समझा क्या तुम लोग? ये मेरा फिफ्थ एंट्री है ना, एक बार मिला लो तो कौन कौन सा एंट्री हुआ है? हाँ सर सही। अच्छा उधर रिवॉल्यूशन के जगह हम लोग पार्टनर्स में बांटेगा नहीं? अच्छा बांटेंगे बाद में, अभी नहीं, लास्ट में। पहले सारा रिवॉल्यूशन एंट्री करेंगे उसके बाद, ठीक है? अब सही है। फर्नीचर नेक्स्ट एसेट कौन सा था? फर्नीचर बड़ा था या घटा था? घटा था तो कौन सा एंट्री एप्लीकेबल होगा? लायबिलिटी टू रिवॉल्यूशन टू फर्नीचर रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। एसेट कम हुआ है तो सेकंड वाला एंट्री ना, एसेट कम हुआ है तो सेकंड वाला एंट्री। कितना से कम हुआ था याद करो? 8,000 2,000 2000 से कम हुआ था ना। समझा सेकंड एंट्री? रिवैल्यूएशन का सेकंड एंट्री क्लियर हुआ? हाँ सर नेक्स्ट क्या लाइन लिखा हुआ था? स्टॉक स्टॉक। टू बी डेप्रिसिएटेड बाय स्टॉक बढ़ा था या घटा 10,000 था? घटा क्या एंट्री हो तुम लोग बताओ? रिवैल्यूएशन रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितना से घटा? सर 200 2000 या 200? 2,000 नेक्स्ट, नेक्स्ट क्रेडिटर्स से क्या हुआ था? क्रेडिटर्स डिस्काउंट दिया था 5%। कितने 5% कितना है था? 5%। 1,000 अच्छा, क्रेडिटर्स मेरा बढ़ गया या कम हो गया बताओ तो? डिस्काउंट अगर मिला है तो क्रेडिटर्स बढ़ गया या कम हो गया? तो एंट्री बताओ। चलो कम चलो, लाइबिलिटी गया रिवैल्यूएशन ओके कम हो गया ना मेरा, कितने का? हाँ रिवैल्यूएशन कुछ और है क्या? ना अब एक चीज चेक करो, रीवैल्यूएशन जो है, ये वाला वर्ड, ये वाला जो वर्ड है, ये कहाँ कहाँ पे क्रेडिट हुआ? एक इधर क्रेडिट हुआ हाँ और एक इधर क्रेडिट हुआ, बिल्डिंग के समय हाँ तो मेरा दो जगह क्रेडिट हुआ। कितना क्रेडिट हुआ? ग्यारह और कहाँ पे डेबिट हुआ चेक करो। 1-2 हजार यहाँ पे फर्नीचर और 1-2 हजार यहाँ पे, तो टोटल कितना डेबिट हाँ हुआ? 4,000 4,000 तो मेरा फाइनल में ज्यादा में डेबिट है क्रेडिट क्रेडिट है ना? हाँ ध्यान रखो, अगर क्रेडिट ज्यादा है, ये बात जो बोलो ये पॉजिटिव गांठ बांध लो, जो बात बोलो ये गांठ बांध लो। बोला अगर रीवैल्यूएशन का ज्यादा क्रेडिट ज्यादा है
अगर रिवॉल्यूशन ग्रेड ज्यादा है तो फायदा है, प्रॉफिट है, ओके। और अगर रिवॉल्यूशन का डेबिट ज्यादा है तो लॉस है, ओके। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं वापस, और क्या करने बोला हूं इस लाइन को, मेरी इस लाइन को गार्ड गांठ बांध लेना। क्या बोला? रीवैल्यूएशन का क्रेडिट अगर बनने ज्यादा है फायदा है, रीवैल्यूएशन का डेबिट अगर ज्यादा है तो लॉस, ओके। तो अभी जो सीन चल रहा है उसमें क्या लग रहा है, फायदा है कि नुकसान है? फायदा कितने का फायदा? 6,000 ठीक से देखो, 11,000 का क्रेडिट है और 4,000 का डेबिट है, 7,000 7,000 तो 7,000 का फायदा दिखा तुम लोगों को। तो सर अब सुनना, ये फायदे को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ज्यादा क्रेडिट था ना, रीवैल्यूएशन ज्यादा क्रेडिट था या डेबिट था? वापस पूछ रहा हूँ, ज्यादा क्रेडिट था या डेबिट था? क्रेडिट हाँ हाँ क्रेडिट तो लास्ट में अब इसका प्रॉफिट जो आएगा क्रेडिट ना, जो प्रॉफिट आएगा उसको ट्रांसफर कर देना होगा पार्टनर कैपिटल में, और प्रॉफिट जब ट्रांसफर करोगे तो रीवैल्यूएशन को खत्म कर देना। ज्यादा क्रेडिट था ना तुम लोग बोला, तो हाँ खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? डेबिट सुनो ध्यान से, वापस समझा रहा हूं, अगर ज्यादा क्रेडिट है तो खत्म करने के लिए क्या कर देना? डेबिट कर देना। और डेबिट अगर ऐसा होता कि ज्यादा डेबिट होता, अगर मैं उल्टा बोल देता ना कि रीवैल्यूएशन डेबिट है मान लो 11,000 से, क्या बोला, ऐसा बोल देता, और क्रेडिट है 4,000 से, तो पहले बताओ ये प्रॉफिट होता है लॉस होता? लॉस लॉस। और इसको खत्म करने के लिए, खत्म करने के लिए रीवैल्यूएशन को क्या करता तुम लोग? क्रेडिट अभी डेबिट है, अगर मैं लिख रहा हूं नया केस में 7,000 ज्यादा डेबिट है, तो खत्म करने के लिए क्या करेगा? डेबिट तुम लोग क्या बोल रहे हो, समझो ना, मैंने क्या बोला? रीवैल्यूएशन अभी एक्चुअली में, अभी मेरा क्रेडिट था ना, अभी एक्चुअली में जो असली में सीन हाँ है उसमें क्रेडिट था, हाँ तो मैं खत्म करने के लिए उसको क्या कर रहा हूं यहाँ पे? तो डेबिट अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे उल्टा कर दूं, उल्टा कर दूं हाँ कि तो क्रेडिट रीवैल्यूएशन में तो अगर क्रेडिट ज्यादा मान लो डेबिट है और क्रेडिट कम है, हाँ तो क्रेडिट कर देते तो इसका मतलब मेरा 7,000 अभी ज्यादा डेबिट है इसका मतलब, तो मैं खत्म करने के लिए हाँ क्या करता? क्रेडिट समझ वापस समझाऊं कि समझ में आ गया? गया वापस समझाइए ना वापस समझो, इधर देखो, अगर वापस समझा रहा हूं। अगर ऐसा सीन है कि तुम चेक कर रहे हैं कि रीवैल्यूएशन में मान लो 6,000 क्रेडिट है और रीवैल्यूएशन में मान लो 9,000 डेबिट है, तो पहले चेक कर लो ज्यादा डेबिट है या क्रेडिट है, जल्दी बताओ। बोलो। ज्यादा हाँ है डेबिट ज्यादा है कितना ज्यादा वो भी बोल दो। 3,000 से ज्यादा तो है अब इसको लॉस खत्म करना पड़ेगा, खत्म करने के लिए क्या हाँ करेगा? तीन हजार डेबिट ज्यादा हो रहा है तो खत्म करने के लिए क्या करेगा? उल्टा करेगा। उल्टा मतलब क्रेडिट कर देगा तो टू क्या होगा? टू। रिवैल्यूएशन और डेबिट किसको लॉस बियर करना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर वो दोनों डेबिट हो जाएगा, समझा? कि तो वो दोनों क्यों डेबिट होगा मानस में लॉस आया है नहीं ना, लॉस आया मतलब पार्टनर का कैपिटल को कम करना है, और पार्टनर का कैपिटल कम करना है तो पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा। अगर यही मेरा प्रॉफिट आता ना शानिया, तो पार्टनर क्रेडिट हो जाता, क्या हो जाता? वापस क्रेडिट से समझो फिर से, मैं बोल रहा हूं रवि का, रवि बोल रहा हूँ, रीवैल्यूएशन का क्रेडिट में 9,000 है, कितना 9,000 है? रीवैल्यूएशन का डेबिट में 4,000 है, कितना है? तो 4,000 क्रेडिट अभी बैलेंस किस में ज्यादा है, में कितना?
5,000। अगर मैंने तुम लोगों को बोला था एक बात गांठ बांधने के लिए कि अगर क्रेडिट में ज्यादा है तो प्रॉफिट होता है लॉस होता है, प्रॉफिट ठीक है, अब इसको खत्म करना पड़ेगा प्रॉफिट को, तो क्या करोगे रीवैल्यूएशन को? डेबिट डेबिट रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ कितना से, 5,000 किस में बटेगा? लव योर दिनेश। और देखो प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, समझा क्या? क्योंकि हाँ उनका कैपिटल बढ़ जाता है या कम हो जाता है। बढ़ जाता है। लेकिन अगर लॉस होता तो अभी जस्ट ये वाला जो मैंने कराया, क्या कराया ये वाला लॉस, उनका कैपिटल क्या हो गया देखो, बोलो क्रेडिट लॉस में, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ये लॉस था, लॉस में कैपिटल क्या हुआ यहाँ पे? हाँ डेबिट हुआ है। अभी इस क्वेश्चन में देखो, मेरे इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन क्रेडिट है कितना से, कहाँ पे क्रेडिट है चेक करो ना जल्दी से। 10,000 सात क्रेडिट है हजार से सात और 1,000 क्रेडिट है, टोटल कितना क्रेडिट हुआ हजार और टोटल डेबिट कितना मिला था? ज्यादा क्रेडिट है ज्यादा डेबिट है, क्रेडिट कितना 7,000 खत्म करने के लिए क्या करोगे? किसको डेबिट किसको किसको? रिवैल्यूएशन के रिवैल्यूएशन। मैंने लिखा है भाई, दिखा हाँ किसके किस में जाएगा? टू लव इज अभी डेबिट टू दिनेश कैप अकाउंट। समझ में आया क्या? हाँ सर। 42 4,200 और 2,800। ये ओल्ड रेशियो में जाएगा, हाँ कितना कितना आ रहा है? 7,000 × 3/5, फोर्टी टू हंड्रेड और 2,800। 4,200 और 2,800। हाँ ये एंट्री क्या चीज का था, रिवैल्यूएशन को डेबिट करने का। समझा क्या? ये प्रॉफिट का और बांटने सर का, प्रॉफिट बांटने का, ठीक है? अगर लॉस आता तो एंट्री उल्टा हो जाता, अगर लॉस होता ना तो लॉस एंट्री उल्टा हो कंपेयर जाता, क्लियर? करने। समझा? हाँ हाँ सर। सर ये एडमिशन का एंट्री जो सबसे पहले क्या होगा, जो रिजर्व है वो बांटोगे, पीएल बांटोगे, उसके बाद जो कैपिटल लाया उसका एंट्री होगा, जो गुडविल लाया उसका एंट्री होगा, और एसेट्स का रिवैल्यूएशन होगा, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो बटेगा, समझा? ये ठीक प्रॉफिट है लॉस सर। बांटने वाला कौन सा नंबर एंट्री हो गया मेरा? लास्ट 9 इतना क्लियर हो नाइन गया तुम नाइन। लोग को? हाँ सर। ठीक है, अभी मैं तुम लोग एक काम दे रहा हूं, सुनो मेरा बात। काम क्या है, तुम लोग वापस से इस सम्स को एक बार रीडू करो, और रीडू करोगे उसके बाद मैं कुछ और बताऊंगा, ठीक है? मैं 3 साढ़े 3 बजे तुम लोग एक बार मेरे को फोन करो वापस, और इस सम्स को वापस रीडू करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं, ये पढ़ाई दम छोड़ना नहीं, वापस रीडू करो, ठीक और 3 साढ़े 3 के बीच में कॉल करो मेरे को, ठीक है? हाँ तब और एक क्लास होगा मैं चेष्टा पूरा करो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? कैसा। अच्छा ठीक ओके सर।